Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हिंदू धर्म में सभी पेड़ पौधों को बहुत इज्जत दी जाती है। पेड़ पौधों में भगवान का वास माना गया है। इतना ही नहीं, रात के समय इन पेड़ पौधों को छूने की भी मनाही है। ज्योतिष में तुलसी, पीपल और नीम जैसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। ऐसे में आज हम आपको रात रानी के पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं। रात रानी के पौधे का जिक्र ज्योतिष के साथ साथ आयुर्वेद में भी मिलता है। ऐसे में आज हम आपको रात रानी के पौधे के कुछ चमत्कारिक फायदे बताने जा रहे हैं। घर के वास्तु दोष को दूर करने में रात रानी का पौधा बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है और साथ ही इसके पुष्पों की खुशबू से घर का माहौल शांत और सकारात्मक बनता है। रात रानी के पुष्प को महिलाएं अपने गजरे में प्रयोग करती हैं। इससे उन्हें सिर दर्द और तनाव से मुक्ति मिलती है, साथ ही उन्हें पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। तनाव को दूर भगाने में भी रात रानी के पुष्प बहुत काम आते हैं। इनकी खुशबू से डर, घबराहट और तनाव दूर होता है। आयुर्वेद में इसे बार बार सूंघने की सलाह दी जाती है। रात रानी के पुष्पों से बना इत्र ताजगी का बहुत बड़ा स्रोत है। इसके इत्र की खुशबू से ताजगी मिलती है। इतना ही नहीं, ये पसीने के दुर्गंध को भी दूर भगाता है। रात रानी के पुष्पों की खुशबू दिमाग को प्रभावित करती है। इससे व्यक्ति सकारात्मक विचारों से भरने लगता है, साथ ही आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। यह छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने में मदद करता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.